तो एक बार फिर से मणिपुर में हालात तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। जो ताजा रिपोर्ट सामने आई, जितेंद्र शर्मा बता रहे थे विष्णुपुरा और चुराचांदपुर का जो बॉर्डर है वहां पर फ्रेश क्लैश हुआ है। ये देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात है, सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है, हथियारों के साथ मौजूद है, ताकि कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो तुरंत उनको काबू में किया जाए। लेकिन ये ताजा क्लैश बता रहा है, ये फ्रेश क्लैश बता, एक तरफ आप देख रहे हैं गोलीबारी हो रही है और धुएं का एक गुबार देखने को मिलता है, सुरक्षा बल जहां पर खड़े होते हैं वहां पर इस तरह से देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से हिंसा की खबरें हैं चुराचांदपुर से, जो दो महीने पहले जल रहा था वही इलाका एक बार फिर से तनाव देखने को मिला है। चुराचांदपुर में सुरक्षा बलों ने अपने ट्रकों से बैरिकेड बना दिया है ताकि दोनों समुदाय को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जितेंद्र शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते, देखिए। इस वक्त हम चुराचांदपुर और बिशनपुरा के बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो बीच में बफर जोन की तरह यहाँ पर इस वक्त तैनात है, दोनों समुदाय के बीच दीवार की तरह यहाँ पर खड़ा है। लेकिन जो मैतई समाज है वो इस वक्त आगे बढ़ना चाहता है चुराचांदपुर की तरफ, जहाँ पर दरअसल जिस ग्राउंड के अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं कुकीज़ की, जो हिंसा के दौरान मारे गए उनकी दफन करना चाहता है। तो फिलहाल उस जगह ये देखिए किस तरीके से जो मैतई समाज की जो महिलाएँ हैं वो इस वक्त बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगी आगे बढ़ती हुई। पुलिस फोर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और साथ ही उनको समझाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा कि आगे ना बढ़ा जाए। और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण यहां पर हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो एक समुदाय की महिलाएं हैं, जो मैतई समाज की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं और दो कैस्पर लगाकर देखिए किस तरीके से इस रास्ते को, जो कि विष्णुपुरा से सीधा चुराचांदपुर की तरफ जाता है, उसको एक तरीके से यहां पर रोका गया है। तो फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं बेहद तनावपूर्ण स्थिति है और किसी तरीके से सुरक्षा बल है वो यहाँ समझाने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर जो उग्र महिला है, जो उग्र भीड़ है, उसको समझाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उसको डिस्बर्स किया जा सके, पब्लिक को दूर किया जा सके। लगातार जो समुदाय है वो कोशिश कर रहा है चुराचांदपुर जाने की, लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़कर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये देखिए, चाहेंगे कैमरामैन तस्वीरें आपको, ये देखिए आप तस्वीर है किस तरीके से लगातार कोशिश इस वक्त की जा रही है। स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। कैमरामैन से मैं चाहूंगा तस्वीरें आपको दिखाता रहे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें, बेहद स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हो चुकी है, लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर अमित कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से रोका जा सके। और ये देखिए गोली यहाँ पर चल रही है, तस्वीरें आप देखिए लगातार, ये देखिए तस्वीरें, स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है लेकिन लगातार जो सुरक्षा बल है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से नियंत्रण में की जा सके, लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए लगातार आरएएफ आगे थी, लोगों को समझाया गया, काफ़ी देर तक बात की गई और उसके बाद जब उग्र भीड़ नहीं मानी तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि अभी भी सुरक्षा बल जो है वो तनावपूर्ण स्थिति को काबू करने में यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ देखा जा सकता है। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मणिपुर। तो जहां पर ताजा संघर्ष हुआ है प्रदर्शनकारियों और पुलिस में, सुरक्षा बलों में, वहां से रिपोर्ट आपको जितेंद्र शर्मा दिखा रहे थे, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। वही चुराचांदपुर जहां पर हिंसा पनपी थी और महिलाओं के साथ बदसलूकी सामने आई थी, एक बार फिर से यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, उन्हें काबू में करने के लिए। लगातार गोलीबारी की आवाज वहां से सुनाई दे रही है। जब जितेंद्र बोल रहे थे तब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सवाल उठता है कि धारा 144 लगी हुई थी तो फिर प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात यहां पर ये कि तनाव आखिर फिर क्यों फैला, क्या सुरक्षा बलों की या पुलिस जो यहां पर सक्रिय है उनकी बात नहीं मानी जा रही है। कई बड़े सवाल उठते हैं कि एक बार फिर से क्यों हालात तनावपूर्ण बन गए उसी मणिपुर में जहां पर इतना ज्यादा सड़कों पर संग्राम मचा हुआ था। मणिपुर में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के शवों को दफनाने को लेकर आज दोनों समुदाय आमने सामने हैं। मैं इस वक्त सीसीपुर और इसके अलावा जो बिशनपुर है उसके बीच में जो बफर जोन सुरक्षा बलों के द्वारा बनाया गया उसी में मौजूद हूँ। ठीक मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित आपको दिखाई, देखिए इस वक्त सुरक्षा बल बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है। ठीक ये जो ट्रक खड़ा हुआ है सुरक्षा बल का, ठीक इसके पीछे जो कुकी समाज है वो दरअसल आज बड़ी संख्या में, एक सरकारी ज़मीन है वहाँ पर जो हिंसा के दौरान जो लोग मारे गए उनके शवों को दफनाने की परमिशन मांग रहा था, लेकिन जब सरकार
सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, तो बड़ी संख्या में इस वक्त कुकी समाज के लोग हथियारों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और शव दफनाए जाने की वहाँ पर एक तरीके से जो जद्दोजहद है सुरक्षा बलों के साथ वो इस वक्त वहाँ पर चल रही है। और यही वजह है कि मीडिया को आगे जाने की इजाज़त यहाँ पर कतई नहीं दी जा रही है। वो ठीक मेरे दाएं तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाया, ठीक मेरे दाएं तरफ देखिए किस तरीके से कैस्पर लगाकर यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है और उधर की तरफ मैतई समाज बड़ी संख्या में मौजूद है और दोनों समाज आज आमने सामने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुकी समाज का कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसमें शवों को दफनाए जाने की बात है, उसके बाद मैतई समाज में इस बात को लेकर गुस्सा है और यही वजह है कि जो मुद्दा है शव को दफनाए जाने का, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों समाज आमने सामने हैं और सुरक्षा बल ठीक बीच में। आप देखिए किस तरीके से दोनों समुदाय को एक आमने सामने, यानी कि ना मैतई समाज कुकी समुदाय के एरिया के अंदर जा सकता और ना ही कुकी समुदाय मैतई समाज के एरिया के अंदर जा सकता, और बीच में इस वक्त ही बफर जोन बनाकर यहाँ पर सुरक्षा बल बड़ी संख्या में आपको चारों तरफ तैनात दिखाई देगा। जितेंद्र अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि किस तरह से कुकी समाज के और मैतई समाज के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और फिर ना इस इलाके में ना उस इलाके में। और जितेंद्र शर्मा ने बताया कि किस तरह कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उस ढील को अब खत्म कर दिया गया है और ज्यादा तैनाती सुरक्षा बलों की हो गई है। इस ताज़ा क्लैश के बाद, इस फ्रेश क्लैश के बाद ये और ज्यादा तैनाती हो गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए हैं, पुलिस के वाहन आपको जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है सीधा चुरा चांदपुर से, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लाइव बता रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं जो बता रहे हैं ताजा हालात क्या है।